हेलो दोस्तों, जब प्रेगनेंसी का तीसरा महीना खत्म होता है तो प्रेग्नेंट महिला की शारीरिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। चौथा महीना आते आते महिला के शरीर में सब कुछ बैलेंस हो जाता है, जिससे दिक्कतें कम होने लगती हैं। पर कुछ दिक्कतें शुरू भी हो जाती हैं, क्योंकि पेट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। महिला को सोने उठने बैठने में परेशानी होने लगती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के चौथे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का विकास, प्रेग्नेंट महिला का खान पान और जरूरी टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने में गर्भ के भीतर शिशु में क्या क्या विकास होता है। चौथे महीने से शिशु गर्भ में सांस लेना शुरू कर देता है, हल्की फुल्की मूवमेंट भी शुरू कर देता है, पर हो सकता है आपको अभी पता नहीं चले मूवमेंट के बारे में। इस महीने तक शिशु के बाहरी अंगों का विकास हो जाता है और अंदरूनी अंगों का विकास शुरू होने लगता है। कई महिलाओं की प्रेगनेंसी में चौथे महीने पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। दोस्तों, चौथे महीने से शिशु के मस्तिष्क का विकास तेजी से होने लगता है। शिशु के चेहरे की मांसपेशियों और किडनी काम करना शुरू कर देता है। शिशु की खोपड़ी का आकार बनने लगता है। शिशु के हाथ पैर और कान विकसित हो जाते हैं और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। पर अभी भी शिशु की पलकें पूरी तरह आंखों से चिपकी हुई रहती है, जो आने वाले महीनों में खुलेगी। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का वजन 120 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक हो सकता है और लंबाई एक केले के बराबर हो जाती है। दोस्तों, इस महीने से महिला का पेट बढ़ने लगता है, जिसे देखकर या आसानी से पता चलने लगता है कि महिला गर्भवती है। चौथे महीने से शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पर झाइयां और मुहासों की समस्या हो सकती है, इसलिए परेशान नहीं हो। इस महीने से महिलाओं को भूख ज्यादा लगती है, पैरों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको हेल्दी पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। पानी खूब पिएं, दवाइयां टाइम पे लें, भरपूर आराम करें। इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महीने से शिशु का विकास तेजी से होने लगता है। आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं चौथे महीने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। चौथे महीने में प्रेग्नेंट महिला को फाइबर युक्त चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ये आपके आने वाले महीनों में कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्याएं से बचाने में मदद मिलेगी। फाइबर केला, संतरा, सेब, गाजर, चुकंदर, आलू, ब्रोकली, पालक, राजमा और बादाम में पाया जाता है। आप इनका सेवन कर सकती हैं। दोस्तों, गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में कमी नहीं आए, इसके लिए आप ओमेगा फैटी एसिड युक्त चीजें खाएं। ये आपको मछली में मिलेंगे। इस महीने से आपको कैल्शियम और विटामिन डी युक्त चीजों का भी सेवन करना जरूरी होता है। यह आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करेगा। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर खूब खाएं। चौथे महीने से आप उबला हुआ अंडा और नॉनवेज खा सकते हैं। बस ध्यान रहे नॉनवेज पूरी तरह पका हुआ, फ्रेश और कम मसालेदार हो। ज्यादा मसालेदार खाने से आपको गैस की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ आप फल, ड्राई फ्रूट्स और आयरन युक्त चीजों का सेवन करते रहें, ताकि शरीर में खून की कमी ना हो और शिशु का विकास भी समुचित तरीके से हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको मैदा से बनी चीजें, चाइनीज फूड, चाट, पकौड़ी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर का खाना आपको कम खाने चाहिए। चौथे महीने में प्रेग्नेंट महिला को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे खान पान के साथ साथ आपको
अपनी दिनचर्या का भी खास ध्यान रखना चाहिए। आप समय पर उठें, समय पर सोएं, नारियल पानी सुबह जरूर पिएं, जूस का सेवन जरूर करें, खाली पेट नहीं रहें, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसका असर आपके गर्भ पर पड़े। उछल कूद, भाग दौड़, लंबी यात्रा नहीं करें। समय पर मेडिसिन लें, डॉक्टर से चेकअप करवाती रहें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और काम आएगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।